वेलकम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बात करेंगे HDFC लाइफ इंश्योर कॉरपोरेशन लिमिटेड के शेयर के बारे में। काफ़ी अच्छे शेयर हैं और कुछ दिनों से अच्छे खासे पायदान पर चढ़ गए हैं। चलिए शुरू करते हैं इसके ओवरव्यू की। जब इस कंपनी की शुरुआत 2017 के लास्ट में हुई तो इस शेयर का रेट मात्र 345 रुपये के आसपास था, लेकिन इसने जो 2019 और 20 के अंदर इसका जो शेयर का जो रेट था वो 300 से 400 के बीच में आया, और 2021 में इस शेयर का रेट जो इसने हाईएस्ट प्राप्त किया है आपके सामने है, 731 रुपये का शेयर इसका हो गया। मतलब इसने अपनी लाइफ में जो उच्च शीर्ष जो स्थान प्राप्त किया है 731 रुपये का इसने प्राप्त किया था। काफ़ी अच्छी कंपनी है, कंपनी के जो डेटर माइंड से काफ़ी अच्छे हैं, और इसकी जो परफॉर्मेंस है फिलहाल अभी नेगेटिव में चल रही है 1.09% पर डे। अब हम बात करते हैं शॉर्ट टर्म ड्राइवर्स के बारे में। मेटली पॉजिटिव दिखा रहा है, मतलब इसमें हम अनुमान नहीं लगा सकते कि ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा, क्योंकि इसके जो लॉन्ग टर्म ड्राइवर्स है ये भी बिल्कुल ख़त्म है। ये जो कंपनी जिसकी जो स्टार्टिंग है 2017 में हुई थी, ज़्यादा दिन पुरानी नहीं हुई है। अब हम बात करते हैं इसके स्ट्रिक्स के बारे में, किस प्रकार से स्ट्रिक्स हैं इसके। इसके जो न्यूट्रल है, बुलिश हैं और बोरिश है, दोनों आपस तीनों ही एक दूसरे के आसपास हैं, इसलिए ये कहना उचित नहीं होगा कि ये शेयर ऊपर जाएगा नीचे जाएगा, क्योंकि इस शेयर में काफ़ी अधिक समानताएं हैं बुलिश, न्यूट्रल और बोरिश के अंदर। अब हम बात करते हैं डेटर माइंड्स के अंदर, इसकी जो वॉल्यूम्स है काफ़ी अधिक है जिसकी वजह से ये ऊपर की तरफ गया, लेकिन जो आउट वॉल्यूम्स है वो भी कम है जिसकी वजह से ये रिस्की हो सकता है। अब हम बात करते हैं फंडामेंटल्स के बारे में। इसकी जो क्वालिटी है अभी क्वालिफाइड नहीं हुई है, क्योंकि जो HDFC लाइफ इंश्योरेंस कंपनी है ये अभी किसी भी सेक्टर में नहीं आती है, इसलिए इसे क्वालिफाई नहीं किया गया है NSE के द्वारा। अब हम बात करते हैं वैल्यूएशन के आधार पर। इसकी जो क्वालिटी है अभी पॉजिटिव नहीं है, मतलब ये क्वालिफाई नहीं हुई है। फाइनेंशियल ट्रेड पॉजिटिव चल रहा है जिसकी वजह से इस शेयर का दाम 731 तक पहुंच गया। अब बात करते हैं इसकी नेट सेल के बारे में। इसकी जो नेट सेल है 31,100 है, मतलब 31,000 करोड़ के आसपास है, काफ़ी अच्छी है, और इसकी ग्रोथ है 1.04, मतलब 104% के आसपास, काफ़ी अच्छी। और नेट सेल इसकी लगा लीजिए क्वार्टरली इसने की थी 16,518 करोड़। अब बात करते हैं हाफ ईयर में इसने हाईएस्ट कितनी की थी, हाफ ईयर्स में इसने 31,000 के आसपास सेल की थी, काफ़ी अच्छी है। अब बात करते हैं स्टॉक के बारे में, इसका योगदान 15%, सेक्टर में 8 और सेंसेक्स में 20 के आसपास है। अब हम बात करते हैं ये क्या है, ये फाइनेंस देती है और NBFC से रजिस्टर्ड कंपनी है, लेकिन इसका कोई रैंक नहीं है, ये आप ध्यान रखिए कि इसका कोई रैंक नहीं है, ये फाइनेंस से संबंधित कंपनी है और NBFC सेक्टर के अंतर्गत आती है, काफ़ी अच्छी है, इसे NBFC का लाइसेंस है। मार्केट कैप इसकी 1,45,725 है, मतलब बहुत ज़्यादा है इसकी मार्केट कैप। अब बात करते हैं इसका पीए रेशियो, इसका जो पीए रेशियो है फिलहाल करंट पोजीशन में सबसे ऊंचा इसका रेशियो चल रहा है 109.24, मतलब 110 के आसपास रेशियो, काफ़ी अच्छा है, और जिसकी वजह से इसका जो शेयर का दाम काफ़ी अधिक चल गया है। और प्रोमोटर की संख्या 61% है, काफ़ी अधिक है, और नॉन इंस्टीट्यूशन में इसका योगदान 8.87 है, मतलब कुल मिला के देखा जाए तो HDFC लाइफ इंश्योरेंस के जो शेयर हैं मार्केट कैप के हिसाब से काफ़ी अच्छे हैं, लेकिन जो एनालाइज हमने किया है उस हिसाब से आप यदि इसका चार्ट देखेंगे तो इसका जो शेयर का दाम है 300-400 के बीच रहता है। पहली बार इसने जो क्रॉस किया है 731 किया है, इसलिए इसमें थोड़ी सी डेटर माइंड्स जो है सही नहीं है। तो इस वीडियो में इतना ही। यदि आपको जानकारी अच्छी लगी है HDFC लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड शेयर के बारे में, तो आने वाली वीडियो में भी हम ऐसे ही शेयर लेके आएंगे जो उच्च शेयर हैं, बहुत अच्छी क्वालिटी के हैं, वो हम लेके आते रहते हैं। यदि आप चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। हमारा चैनल देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।